हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में कैनुला लगाना, यानी बहुत सारी कंडीशंस में जैसे डिहाइड्रेशन है बच्चे को, या कोई इंजेक्शन लगाना है, या कुछ भी चीज़ लगाना है, कोई आईवी कोई भी चीज़ देना है, तो उसमें कैनुला लगाया जाता है, वीगो लगाया जाता है, जिसके थ्रू ग्लूकोज या इंजेक्शन लगाया जाता है या दिया जाता है। उसमें एक ये लाइट है जिसको आप देख सकते हैं, ये वेन डिटेक्टर लाइट के नाम से जानी जाती है। इससे क्या होता है, बहुत आसानी के साथ बच्चों की वेन प्रोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है। बड़ों में तो हम वेन को आसानी से, जिसमें हमें लगाना है उसको हम आसानी से पा सकते हैं, लेकिन बच्चों में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये फुल्ली स्टरलाइज्ड है, सारी चीज़ पहले स्टरलाइज हो चुकी है, इसलिए इसमें पूरा स्टरलाइजेशन का ख्याल किया गया है। स्टरलाइज करने के बाद हम जो है ये वेन बच्चे की, पहले हम उसको विजुलाइज़ कर लेते हैं जब भी किसी बच्चे को वेन में कोई भी इंजेक्शन या ग्लूकोज देना होता है। उसके बाद जो 24 नंबर का कैनुला होता है उसको इंसर्ट किया जाता है वेन के हिसाब से, वेन को देखने के बाद, और फिर उसको फुल्ली बिल्कुल लास्ट तक पहले हम देख लेते हैं कि बैक फ्लो है नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट तक करने के बाद, देखने के बाद आप देख लीजिए ब्लड उसमें आ रहा है तो ये सक्सेस हो गया। अब उसके बाद इसको हम फिक्स कर देंगे या फिक्स कर दिया जाएगा। ये एक दूसरा बच्चा है जिसमें वेन को, इसको भी अच्छे से स्टरलाइज किया देखा जाएगा। फिर स्टरलाइज करने के बाद, फिर उसके बाद हम वेन को जब देख लेंगे, वेन देखने के बाद फिर उसको हम देखेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जैसे ब्लड आ जाएगा उसको हम फुल पूरा कैनुला को हम पूरा अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर जो भी देना होगा, आईवी फ्लूइड या ग्लूकोज या इंजेक्शन जो भी देना होगा वो दिया जाता है। इस तरीके से बच्चों में कैनुला लगाया था, और ये एक डॉक्टर ही, बच्चों का डॉक्टर ही इसका आईवी दे सकता है।